हमारी पुलिस ने बहुत सराहनीय काम किया है, 10 शूटर्स को गुड़गांव में पकड़ा है और मैं इन सारे जो उस टीम में शामिल थे सबको अप्रिसिएशन लेटर मैं भेज रहा हूँ। बहुत बड़ा काम है और इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। हमारी पुलिस लगातार ऐसे प्रयास कर रही है, हम हर महीने में ऑपरेशन आक्रमण चलाते हैं, लोगों को नहीं पता लेकिन हम डेट तय करते हैं और एक दिन में सारे हरियाणा में जुआ सट्टा शराब ड्रग्स ऐसे जो क्राइम है उन पर प्रहार किया जाता है। और उसमें हमारा ऐसा सोचना है कि ये जो छोटे छोटे अपराध करने वाले हैं यही कल को जाकर बड़े अपराधी बन जाते हैं अगर इन पर नकेल ना डाली जाए। और हर महीने हम लगभग 300-350 लोगों को गिरफ्तार करते हैं और उनके ऊपर केस बनता है। लगातार पुलिस काम कर रही है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल के आया है सर? 10 में से 7 के पास हरियाणा पुलिस की वर्दी थी। नहीं, वो किस वारदात को अंजाम देने आए थे सर? अब वो सारा अभी उसकी सारी जांच हो रही है हर एंगल से और जो पुलिस की वर्दियाँ मिलना बहुत ही खतरनाक बात है, तो वो सारे एंगल्स पर अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, इन तमाम शूटर्स को जेल में भेजा गया है मुंशी जेल में, वहाँ पे पहले ही कौशल गैंगस्टर कौशल खुद मौजूद है, उनके शूटर्स मौजूद हैं, उनके गुर्गे मौजूद हैं। क्या लगता है कि तिहाड़ जैसी घटना घट सकती है भूंसी जेल के अंदर? हरियाणा सरकार इसको इस तरह से नहीं पूरा देखिए, ये हम उसी के हिसाब से आवश्यकता के हिसाब से फिर इनको शिफ्ट भी करते रहते हैं कि कहाँ स्कूल लेके जाना, वो चीज़ें हम पब्लिक नहीं करते हैं ना, हमें करनी चाहिए। अच्छा सर, बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के बारे में भी सोच रही है प्रदेश सरकार? आप खुद गृहमंत्री हैं सर, ऐसे कुछ अधिकारी पुलिस मैंने पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए 30 इनाम मैंने शुरू किए हैं। 10 इनाम मुख्यमंत्री जी के नाम से दिए जाएंगे, 10 इनाम होम मिनिस्टर के नाम से दिए जाएंगे और 10 नाम DGP के नाम से दिए जाएंगे। उसमें हम इन सब चीज़ों को कंसिडर करेंगे और उसमें 1,00,000 रुपया इनाम और 6 महीने की उसमें जो है सर्विस का प्रावधान हमने रखा है, तो वो हमारे सारे SPs को हमारी लेटर चली गई है और सारा स्क्रूटनाइज कर रहे हैं उसको और जल्दी हम शुरू कर देंगे।